पिता लोहो कलम तेरे हैं। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरते फौला। नाज़रीन, गिलगित-बल्तिस्तान 2020 इलेक्शन के नतीजे लगभग मुकम्मल हो चुके हैं। हुकूमत साजी के अमल में जीतने वाले खुश और हारने वाले नाराज दिखाई दे रहे हैं। हुक्मरान जमात जहां हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ करने में मसरूफ है, तो वहीं अपोजिशन एहतजाज और धरने का लायअमल बनाने जा रही है। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इलेक्शन इस्लाहात की बात की है। उन्होंने इलेक्शन इस्लाहात लाने की तजवीज़ दी है और कहा है कि ये पहली बार होगा कि कोई भी बरसरे इक्तदार हुकूमत जो है वो इलेक्शन इस्लाहात लाने जा रही है। प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इस्लाहात ज़रूरी हैं और क्या है इस्लाहात ही ब्लेम गेम और धांधली के इल्ज़ाम का तोड़ हैं और क्या अपोजिशन और हुकूमत इन इस्लाहात के लिए मिलकर बैठेंगे। यहीं नाज़रीन हमने ये भी देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहां आज काबीना मेंबरान से गिलगित-बल्तिस्तान में जीतने पर मुबारकबाद वसूल की, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की जो सूरत हाल है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। कोरोना केसेस में 4 गुना ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है और अगर सूरत हाल यही रही तो जून वाली सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत ने कहा है कि जलसे जुलूसों पर पाबंदी अब नागुजीर हो गई है। हुकूमत कह रही है कि हम अपने जलसों पर भी को भी जो है वो रोक रहे हैं कोरोना की वजह से, और उन्होंने अपोजिशन से भी ये कहा है लेकिन अपोजिशन शायद इससे मुत्तफिक नहीं है। माशी सरगर्मियों और स्कूल्स की छुट्टियों को आइंदा के हालात पर छोड़ दिया गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से एक बार फिर कोरोना का टास्क जो है वो टाइगर फोर्स को सौंपने और कोरोना वैक्सीन की एडवांस बुकिंग की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इन सब को हम प्रोग्राम में मौजूद बहस लाएंगे और सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे वकास सलीम, स्टेट यूथ पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट हैं आप। इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करेंगे शुजाल हसन खान, एंकर पर्सन और तजियाकार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाज़रीन जीबी इलेक्शन की और जीबी इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल है उसकी। शुजा, हमने देखा कि जीबी इलेक्शन के जो नतायज हैं गैरत में गैर सरकारी वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। जीतने वाले खुश हैं और हारने वाले एज यूजल नाराज हैं। वो एक धांधली और एक एहतजाज का जो है वो हम दोबारा से एक सिनेरियो देख रहे हैं आफ्टर 2018 इलेक्शन के दोबारा हम ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान का इस चीज़ के साथ आना कि हम इस्लाहात की बात करना है, आई थिंक सो इलेक्शन इस्लाहात की बात करना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसकी टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, आप क्या कहते हैं? देखिए, ये जो इलेक्शन इस्लाहात की बात है ये तो हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं कि इलेक्शन इस्लाहात की जाएंगी और इस किस्म की डेवलपमेंट की जाएगी जिससे आने वाले इलेक्शंस के अंदर जो है वो ये आंसर ना हो कि कोई पार्टी उठ के ये कहे कि जो है वो इलेक्शन के अंदर धांधली की गई है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि क्या इलेक्शन इस्लाहात हुई हैं। आज तक तो इलेक्शन इस्लाहात हमें कहीं देखने में नहीं मिली, क्योंकि देखें अगर हम गौर करें तो जब 2013 में इमरान खान साहब जो इलेक्शन हार गए तो उसके बाद उन्होंने बहुत अरसा इस बात पे जोर दिया कि इलेक्शन इस्लाहात की जाएं, लेकिन हमने देखा कि वो भी जो ज़्यादातर अपनी एनर्जीज वेस्ट कर रहे थे वो गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने में कर रहे थे। वो कॉन्स्परेसी थीरीज या अम्पायर आ जाएगा, अम्पायर उंगली उठा लेगा, इन्होंने पैनामा पेपर्स निकाले जी उनके अंदर के, इन्होंने इतनी करप्शन की, ये किया वो किया, लेकिन इलेक्शन असलाहत जो है सॉलिड उनके ऊपर बात नहीं हुई। और इसी तरह की जो एक बातें थी वो 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तब भी की गई कि इलेक्शन के अंदर जो है वो असलाहत लाई जाएंगी, लेकिन इलेक्शन के अंदर इलेक्ट्रल जो हमारा एक प्रोसेस है उसके अंदर असलाहत नहीं आई। उसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर असलाहत की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा कि जिस तरह से सैनेट में बहुत मतलब एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन थी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं और उनको एक लीड हासिल थी, बर्तरी हासिल थी, लेकिन बहरहाल सेनेट के अंदर उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। उसके अंदर मेन रीज़न जो था कि वो एक खुफिया बैलेट था, एक सीक्रेट बैलेट था। जो सीक्रेट बैलेट है इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है हॉर्स ट्रेडिंग, और ये हॉर्स ट्रेडिंग वो अब जिस तरह से पीपल्स पार्टी और पीएमएल रोना रो रहे हैं वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि फिर यूं हुआ कि मुझ पे एक दीवार आ गिरी, ये देख ना सका पसे दीवार कौन था। लेकिन यहाँ पे तो हमें पता है कि पसे दीवार ये खुद है,
90s के अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग की गई, जिसको छांगा मांगा की सियासत कहा जाता था, कि जब पीएमएलएन को लगा कि उनके बंदे जो हैं वो दूसरी साइड पे फ्लिप कर जाएंगे, तो उन्होंने उन सबको उठाया, छांगा मांगा के गेस्ट हाउसेज में लेके गए, वहां से उन्हें दुनिया से काट के रख दिया, कम्युनिकेशन काट दी, फोन लाइंस काट दी, लोगों का आना जाना जो है बंद कर दिया, और जब तक इलेक्शंस जो है वो हुए नहीं तब तक उनको बाहर नहीं निकाला गया। जब इलेक्शन डे था उस पर उनको वहां से गाड़ियों पे ले जाया गया और उनसे वोटिंग कराई गई ताकि कोई बंदा इनको खरीद ना सके। तो ये जो खरीदने की और बिकने की सियासत है पाकिस्तान में, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सियासत, और इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि जब खुफिया बैलेट है तो लोग बिक भी जाते हैं और वो सामने भी नहीं जो आते। आज इन्होंने ये बात की कि शो ऑफ हैंड जैसी तजवीज को हम लाने की कोशिश करेंगे, सजेशन तो अच्छी है, तो क्या लेकिन ये हो पाएगा? ये आई डोंट थिंक कि ये मुमकिन है। ये उसी तरह जैसे देखे हम शो ऑफ हैंड की जब बात करते हैं, जब ये अभी रिसेंट इलेक्शन हुए सेनेट में तो कहा गया कि चंद एक जो है वो बाज़मीर अपोजिशन के मेंबर्स जो थे सेनेट के, उन्होंने जो है वो वोट जो है वो गवर्नमेंट की कैंडिडेट को दिया है और उनका ज़मीर जाग गया है। तो उसके बाद बड़े दिनों तक सेनेट के अंदर ये एक बाज़गश सुनाई दी कि वो बाज़मीर लोग सामने आके क्यों नहीं इजहार करते हो, कि सीना तान के कहते कि हम वो बाज़मीर लोग हैं जिन्होंने जो है वो अपोजिशन की बजाय गवर्नमेंट को वोट दिया है। तो ये प्रॉब्लम है कि ये जो एक लूप होल है, इस लूप होल से हर कोई फायदा उठाता है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूंगा नैब की, सबसे ज्यादा हो सकता अपोजिशन नैब का रोना रो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सबसे बढ़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इनसे कोई पूछे कि ये नैब बनाई किसने थी? इन्होंने बनाई, इन्होंने सारे उसके रूल्स एस्टेब्लिश किए, इन्होंने सारे कानून बनाए उसके, फिर उसके बाद चले जी मुशर्रफ के दौर में इनके खिलाफ नैब यूज हुई, 90s में ये एक दूसरे के खिलाफ यूज करते, दैट वॉज गुड, दैट वॉज वेरी होली, लेकिन मुशर्रफ ने इनके खिलाफ की तो दैट वॉज अनहोली। लेकिन चले वो मुशर्रफ का दौर भी गुजर गया, फिर 5 साल पीपल्स पार्टी के, क्या नैब के कानून बदले? 5 साल मुस्लिम लीग नवाज को मिले, क्या नैब के कानून बदले? अब जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई है और वो अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए हैं, हाँ। तो अब वो कह रहे हैं नैब के कानून बदलो, तो कोई उठ के इनसे सवाल करे कि आपने खुद क्यों नहीं बदले थे? लाइक वाइज आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आप खुद क्यों नहीं करते इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स? आप क्वेश्चन ही तो यही है कि हमने देखा कि 2013 में जो है पीपल्स पार्टी ने तो इसको बकायदा आरओ का इलेक्शन करार दे दिया था ना, कि ये धांधली हुई है, और हमारे जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने भी 4 हलकों का रोना रोया था, काफी मतलब 265 डेज 35 पंक्चर की बात की गई थी, और उन्होंने धरना दिया, इतना लंबा धरना भी चला इस पे। 2018 के इलेक्शन को भी आप धांधली का वो दे रही है नून लीग, सिलेक्शन की बात हो रही है, अब गिलगित बल्तिस्तान का जो तीसरा कानून साज असेंबली का इलेक्शन हुआ है इसमें भी, चूंकि ये एक हमने देखा कि जो हुकूमत बरसर इकदार होती है उसी के साथ जाया जाता है, शायद उनको ये ख्याल होता है कि वो उनके मसाइल ज़्यादा अच्छे से हल करेंगी, हिज़्ब इख़्तिलाफ़ को सपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब अगर वो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात क्यों नहीं करते हैं, हम सिर्फ धांधली का रोना ही हर सियासी जमात क्यों? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये अब भी इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्या इनको ये पता नहीं था कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होने हैं? क्या ये 2 साल जो पीटीआई की गवर्नमेंट रही है इन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात क्यों नहीं की? ये 2 साल करते क्या रहे हैं पहले ये बताएं। ना तो इकोनॉमी अपने ट्रैक पे है, ना मुल्क के अंदर रोजगार लोगों को मिल रहा है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, 1 करोड़ नौकरियां, वो बजाय उसके 1.5-2 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं, 50 लाख घर बनने थे वो लोग अपने घरों से उठ गए हैं, टाइगर फोर्स अब बन गई है, वो एक नया एक लोगों के लिए वो एक जो है वो एक आप समझे एक मिस्ट्री है कि एक उनके ऊपर सर के ऊपर एक बंदूक रख दी गई है कि टाइगर फोर्स क्या कर लेगी। यहाँ पे पुलिस मौजूद है, यहाँ पे रेंजर्स मौजूद हैं, यहाँ पे आर्मी मौजूद है, ये एक नई फोर्स बनाने की क्या जरूरत है? आपने ये क्या फोर्स बना के आप क्या साबित करना चाहते हैं कि टाइगर फोर्स क्या करेगी? आप खुद क्या कर रहे हैं? आप इलेक्शन रिफॉर्म्स की आप अभी बात कर रहे हैं, आपने इन 2 साल के अंदर क्या प्रोग्रेस दिखाई है इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर? गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्रेस दिखाई है और ऑपोजिशन ने क्या बात की है? ये तो मतलब देखें ये वही हरकत कर रहे हैं जैसी अवाम के साथ हरकतें करते हैं। 5 साल ये अवाम को एक जो है झांसे में रखते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, इलेक्शन से पहले आके ये हड़बड़ाहट में तेजी से ये कर देंगे वो कर देंगे, उधर पुल बना दो, उधर सड़क बना दो, उधर फ्लाईओवर बना दो। लाइक वाइज आप 5 साल चुप बैठे रहे और इस सिनेरियो में 2 साल आप चुप बैठे रहे, जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन आए फिर आप इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करें। भाई ये रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, हथेली पे तो सरसों नहीं जमती, आप 2 दिन के अंदर तो इलेक्शन रिफॉर्म्स कर नहीं सकते, आपने वो प्रोसेस शुरू क्यों नहीं किया? और अभी भी आई कैन से इट ऑन ओथ के अभी भी
नेक्स्ट इलेक्शंस जो कि 3 साल के अंदर मुतवक्के हैं, तब तक कोई क्रेडिबल इलेक्शन रिफॉर्म्स यहां पे नहीं होने। तो ये जो बात की जा रही है कि इलेक्ट्रिक वोटिंग का, ओवरसीज को राइट देने का, तो आपको लगता है कि ये इनफ होगा? देखिए, ओवरसीज को राइट तो मिलना चाहिए। देखिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज लोग जो हैं वो अपने जो पैसा भेजते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उनकी रेमिटेंसेस के ऊपर हमारा बजट जो है बड़ी हद तक बूस्टअप होता है। तो ओवरसीज पाकिस्तानी को तो वोट का हक होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये भी जब आप इंट्रोड्यूस कराएंगे तो फिर ये भी एक आपके लिए एक सफेद हाथी बन जाएगा, ये भी एक ग्रे एरिया बन जाएगा, जिसके अंदर लोग फिर पॉलिटिशियंस जाके जो है वो कॉन्स्पिरेसीज करेंगे कि यार बेल्जियम से इतने वोट गलत आ गए, तो रोमानिया से इतने वोट गलत आ गए, तो यूके से इतने वोट गलत आ गए। यानी कि आप एक नई डिबेट स्टार्ट कर रहे हैं, आप मुल्क के अंदर जो लोग अंगूठे जाके लगा रहे हैं, जो लोग अपनी आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं प्रॉपर, उनके वोट्स चैलेंज हो रहे हैं। कुजा आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से और बेल्जियम से और यूरोप से उठा के लोगों को कहेंगे कि आप वोट दें, आप उन लोगों को कैसे असिमिलेट करेंगे इस सिस्टम के अंदर जो ऑलरेडी फ्लॉड है और उसके अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं उसकी बार बार बात की जाती है। लाइकवाइज आप इलेक्ट्रॉनिक उसका कह रहे हैं कि आप वो बायोमेट्रिक सिस्टम से करेंगे, आई डोंट थिंक कि बायोमेट्रिक सिस्टम चल सके। इन्होंने अभी तक प्रोग्रेस क्या किया है बायोमेट्रिक सिस्टम के ऊपर, और जितने लूप होल्स उस सिस्टम के अंदर भी डेवलप हो सकते हैं। आपने सबसे पहले तो बैठ के आप ये बताएं कि कौन सी ऐसी एक सेंसिबल सीरियस क्रेडिबल बॉडी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर जो है वो रिसर्च कर रही है या उसको एनालाइज कर रही है। देयर इज नथिंग हैपनिंग इन पाकिस्तान रिगार्डिंग इलेक्शन रिफॉर्म्स। यहाँ पे और बहुत सारी गेम्स हैं, और देखिए इलेक्शन के अंदर ऊपर नीचे जो है वो हर मुल्क में होता है। फॉर एग्जांपल आप देख लें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देयर इज अ प्रॉपर टर्मिनोलॉजी, दे कॉल इट गेरीमैंडरिंग, कि आप इलेक्शन से पहले किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज को बदल देते हैं यूजिंग योर अथॉरिटीज इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स। ठीक है कि आप अपने हक में वोटर ज्यादा करने के लिए आप उनकी बाउंड्रीज को रीशेप करते हैं। इस जैसा पीटीआई ने भी 2018 के इलेक्शंस जो हुए थे उनके अंदर थोड़ा बहुत केपीके में ये काम किया गया था कि थोड़ी बहुत बाउंड्रीज चेंज की गई थी जो गैरी मैंडिंग जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कहा जाता है। उसके अलावा फीली बेस्ट रैंक होता है कि आप जैसे आपने बिल पेश किया है तो पार्लियामेंट के अंदर से एक दो मेंबर्स उठेंगे, वो उसके ऊपर इतनी यूजलेस डिबेट स्टार्ट कर देंगे कि या तो वो बिल टोटली प्रिवेंट हो जाएगा या फिर उसके मंजूर होने में बहुत बड़ा डिले आ जाएगा और वो बिल मंजूर नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रिक रिफॉर्म्स की बात इमरान खान साहब ने की है, वो इसका क्रेडिट लेने जा रहे हैं कि ये पहली कोई बरसर इकदार हुकूमत होगी जो ये लाने जाएगी। आपको लगता है अपोजिशन इनका साथ देगी? नहीं। तो क्या हम जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, एक प्रेसिडेंट सेट है, हमारे यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग होती है, सेनेट के इलेक्शन हो या आपको इस तरह के आजाद उम्मीदवारों की, अब जैसे कि कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में एक जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए या इस चीज का कोई मैकेनिज्म बनाने के लिए ऑपोजिशन और हुकूमत साथ मिलकर बैठेंगे, इसके ऊपर भी कोई डिबेट होगी? बैठना तो चाहिए, और अगर गवर्नमेंट इतना अच्छा ऑफर दे रही है ऑपोजिशन को तो ऑपोजिशन को तो बैठना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नौशीन याद रखे कोई भी चीज इतनी सिंपल होती नहीं है। गवर्नमेंट जब कभी एक आप समझे कि एक ड्राफ्ट पेश करती है या एक ऑफर देती है ऑपोजिशन को, तो ऑपोजिशन हमेशा उसको एक नेगेटिव रंग देती है और ऑपोजिशन उसको शक की निगाह से देखती है कि गवर्नमेंट इतनी जो है वो मेहरबान क्यों हो रही है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई राज मख्फी है। लाइकवाइज जब गवर्नमेंट इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रही है, ये तो जब ऑपोजिशन बैठेगी और ये आपस में डिसाइड करेंगे तब पता चलेगा कि क्या ये इलेक्शन रिफॉर्म्स इसकी बात की जा रही है ये वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं या ये वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं जो के पीटीआई को रिक्वायर्ड है। तो ये तो जब ऑपोजिशन और गवर्नमेंट साथ बैठेगी तो तब ये इनके दरमियान फैसला होगा। लेकिन अगर ऑपोजिशन जो है वो सिरे से इसका इनकार करती है तो भुगतेगी ऑपोजिशन बैठ के, क्योंकि गवर्नमेंट में इस वक्त पीटीआई मौजूद है। अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होते तो गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा जो है वो इन अ गुड पोजिशन या वेल पॉइज्ड होती है इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस या उनको यूज करने के लिए अपने लिए। और लाइक वाइज अगर ये जिस तरह से इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की जा रही है इसी तरह ये नैब के कवानीन में भी रिफॉर्म्स की बात करें गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट और ऑपोजिशन साथ मिल के बैठें और वो ये डिसाइड करें कि हमने किस समय जाना है, क्योंकि जो जिस किस्म का अभी
मुल्क के अंदर एक सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है और जैसे ऑपोजिशन जो है वो बारहा तमाम तर ऑपोजिशन जो है वो कभी किस्म के इल्जाम लगा रही है कि गवर्नमेंट और फसाद इंस्टीट्यूशंस को भी बीच में इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो ये जो धुंध है इसको क्लियर करना चाहिए, की जरूरत है, हाँ। बहुत जरूरत है। जब भी अब हम इलेक्शन की बात आती है तो फिर बात इंस्टीट्यूशन पे भी चली जाती है, 2018 से लेके अब बल्तिस्तान में भी वही एक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए बहुत जरूरी है कि ये रिफॉर्म्स आए। तो जो इलेक्ट्रिक वोटिंग का सिलसिला होगा तो इसमें ये आपको लगता है कि ये चीज काफी हद तक वो हो जाएगी कि ये वोटिंग की जो गिनती है उस पर जो क्वेश्चन उठते हैं कि फलां पोलिंग स्टेशन में जो है वो रोक दिए गए और गिनती का अमल यूं नहीं था, ये धांधली का इल्जाम, तो ये इसका सलूशन होगा? ये जो देखिए धांधली के जो इल्जाम हैं इनका तल्लुक धांधली होना या ना होना या किसी सिस्टम का क्रेडिबल होना या ना होना, ये देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये धांधली के इल्जाम है ना ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करते या इनकी वजह जो है वो ये नहीं है कि धांधली हो रही है या नहीं हो रही या सिस्टम आपका क्रेडिबल है कि नहीं है। ये हमेशा से एक डिफीटिस्ट अप्रोच होती है कि जो भी पार्टी हारेगी वो इल्जाम लगाएगी। क्या अमेरिका से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वोटिंग सिस्टम दुनिया में कहीं पे मौजूद है? आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में अमेरिका से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वोटिंग सिस्टम शायद ही कहीं मौजूद हो, लेकिन वहां पे भी धांधली के इल्जाम लग रहे हैं और ट्रंप साहब जो धड़ाधड़ इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने जॉर्जिया में ऐसे कर दिया, इन्होंने पेंसिल्वेनिया में ऐसे कर दिया, इन्होंने जो है फ्लोरिडा में ऐसे कर दिया। वहाँ पे तो ये जो आजाद उम्मीदवार होते हैं इनको खरीद फरोख्त का ये सीन नहीं है ना, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है वहाँ पे। नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग काफी उनकी अच्छी, दैट्स ट्रू कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती, बट हॉर्स ट्रेडिंग को आप देखें, हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए आपको कानून तो बनाना पड़ेगा। दैट्स ट्रू कि अगर आप जो है वो एक्सपोजिट वोटिंग करते हैं कि जो एक्सपोजिटली वोट करें मेंबर्स, तो फिर आप हॉर्स ट्रेडिंग को रोक सकते हैं। लेकिन आपने हॉर्स ट्रेडिंग को, अगर एक्सपोजिट वोटिंग नहीं भी होती तो आपने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है लोगों को एजुकेट करके, और ये हमारी सोसाइटी के अंदर फ्रॉम द वेरी रूट्स ये एक करप्ट प्रैक्टिस मौजूद है कि लोग पैसे की खातिर बिक जाते हैं। ये इंतहाई कभी अमल है, ये इतना मतलब के इंतहाई शर्मनाक अमल है कि जिसको आप वेस्टर्न सोसाइटीज में आप अगर किसी से डिस्कस भी करेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की हरकत होती है तो वो लोग हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे कि क्या आपके मुल्क के अंदर लोग पैसे खरीद के वोट बेचते हैं। क्योंकि देखें, मैं अगर एक इलाके से जीत रहा हूं और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीत रहा हूं तो दैट मींस कि मेरे इलाके के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट किया है तो मैं जीता हूं, और मैं जीतने के बाद अपने इलाके के लोगों का वोट जो है वो 10-15-20 करोड़ में किसी और पार्टी पे बेचता हूं, तो ये मैं उन तमाम लोगों के वोट के साथ ज्यादती कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मतलब कि आपको इस सिस्टम को टोटली रोकना होगा। और अगर फॉर टाइम बीइंग हम अभी से सोसाइटी को एजुकेट तो नहीं कर सकते, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, वो तो हमें स्टार्ट करना ही करना है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग अगर एक्सपोजिट वोटिंग रखी जाती है कि ये जो खुफिया बैलेट है ये खत्म किया जाए तो शो ऑफ एंड, दैट्स वेरी गुड फॉर आवर सोसाइटी। ऑपोजिशन साथ नहीं देगी, मैं तो देखें अगर अब ये इट डिपेंड्स ऑन द नंबर्स, इफ ऑपोजिशन थिंक्स दैट द गवर्नमेंट हैज द नंबर्स टू स्टैंड आउट, इवन कि अगर एक्सपोजिट बैलेट भी हो, लगता है कि ऑपोजिशन ये भी मतलब इस चीज का फायदा भी हुकूमत को देगी कि ये क्रेडिबिलिटी भी हुकूमत ले ले कि हमने इस चीज को, नहीं वो देखे फायदा तो बिल आखिर कोई ना कोई लेगा, लेकिन आप ये देखिए कि मैं आपको ये बता रहा था कि अगर ऑपोजिशन को ये यकीन हो कि एक्सपोजिट वोटिंग हुई भी तो गवर्नमेंट जीत जाएगी, गवर्नमेंट के पास फिगर्स पूरे हैं, तो फिर शायद ऑपोजिशन जो है वो खुफिया बैलेट की तरफ ही जाए। लेकिन ऑपोजिशन खुफिया बैलेट से एक मरतबा मार खा चुकी है सेनेट में, बड़ी शदीद मार खा चुकी है, तो ऑपोजिशन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त खुफिया बैलेट की जो है वो हमायत करेगी। वो कहेंगे कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए। ठीक है शुजा, हमने देखा कि आज जो है वो इमरान साहब ने इस बात का भी जिक्र किया कि कोरोना जो है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ चुका है, और ये भी हो सकता है कि हम जो है वो जून वाली सिचुएशन में चले जाए। लग यहाँ पे ये रहा है कि हुकूमत जल्द से जुलूसों पर पाबंदी लगाना चाह रही है, एक ये तासुर दिया जा रहा है, और जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि हमारे जो पीडीएम के जलसे हैं वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे, हम उन्हें नहीं रोकेंगे। तो अब जानना यह है कि क्या वाकई कोरोना की जो दूसरी लहर है वो इतनी ज्यादा है कि 4 गुना बढ़ चुकी है, या हुकूमत सिर्फ उसका सहारा लेके ऑपोजिशन को महदूद करना चाहती है? नहीं देखिये, द थिंग इज के आप समटाइम्स आपको खुद भी थोड़ा बहुत अगर आप नजर दौड़ाएं सोसाइटी के ऊपर, अपने इर्द गिर्द जो फैक्टर्स हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि इफ द कोरोना इज ऑन द रैम्पेज और इट्स क्वाइट लो, तो आपको ये समझ आएगी कि जैसे स्टार्ट में कोरोना स्लोली ग्रेजुअली बढ़ रहा था और फिर एक टाइम आया था कि कोरोना बहुत ज्यादा फैल चुका था, लाइक वाइज अभी भी इफ आई कैन कोट
एग्जाम्पल्स ऑफ माई फैमिली, तो आई कैन से के आई कैन फील के कोरोना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हम अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों में, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में कैसे देख रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल है इसके हवाले से आई थिंक सो डॉक्टर हजरत अकबर हमारे साथ मौजूद है, वो हमें ज्यादा अच्छे से गाइड करेंगे। ये सदर पेमा पेशावर है, तो सर आप सुन सकते हैं मुझे? ओके उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौला। मैं तुझको बताता हूं तकदीर उम्म क्या है, शमशीरो सनावल ताउसो रबाब आखिर। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, वेलकम बैक। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कोरोना की दूसरी लहर को, तो शुजा ये जो हुकूमत दूसरी लहर का वो ले रही है, वो एक तरफ से कहा जा रहा है कि उसे ओपोजिशन को रोकने के लिए कि वो जल्द से जुलूस ना करे, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि हमने अपनी भी एक्टिविटीज कोरोना की दूसरी लहर की वजह से मौत जो है वो की है। अभी हम डॉक्टर हजरत अकबर से जान लेते हैं कि वाकई ये सिचुएशन इतनी सीरियस है। सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी आपको सुन रहा हूँ, शुक्रिया। सर कह रहे हैं कि जो कोरोना की दूसरी लहर है, इमरान खान साहब ने उसको बड़ा तश्वीशनाक करार दे दिया है, केसेस 4 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो जल्द से जुलूसों पर पाबंदी लगा रही है। आपको क्या लगता है, ग्राउंड रियलिटीज यही है? बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौके पे इस इवेंट के ऊपर प्रोग्राम रखा है। बुनियादी तौर पे कोरोना का ये जो दूसरा लहर है, ये 2-3 वजूहात की वजह से पहले लहर से ज्यादा शदीद है। पहली बात तो ये है कि हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो कोरोना का ये दूसरा लहर है, इसमें केस फेटेलिटी यानी इससे मरने के जो इम्कानात है वो बहुत ज्यादा है। पहली लहर में हमारे साथ ये था कि जो लोग 50 साल से कम होते थे तो उनके बारे में हम बड़े मुतमईन। जी जी बोलिए। आई थिंक जो नेटवर्क का इशू है, तो वो कह रहे हैं कि वाकई कोरोना की जो दूसरी लहर है इसमें मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज्यादा है। इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि जो मरने की तादाद है वो 4-5 से बढ़कर अब 25 पे चली गई है। तो आपको लगता है कि ऐसे सिचुएशन में अपोजिशन साथ देगी हुकूमत को और जल्द से जुलूस अपने जो है वो मंसूख करेगी? आपने जो हालात का अंदाजा लगाना है वो आपने पूरी दुनिया के हालात को देख के लगाना है। कोरोना पूरी दुनिया के अंदर एक पेंडेमिक बन चुका है, और आप अगर कोरोना की सिचुएशन जो है वो इंडिया के अंदर देखें या बाकी हमारे हमसाया ममालिक के अंदर देखें तो वो इंतहाई खतरनाक हद तक जा चुका है। और इंडिया में जिस हद से लोग 1,000 लोग, 900 लोग, 600 लोग दिन में मरते रहे हैं, तो और पाकिस्तान में भी आपने देखा कि 120-130 के फिगर्स को भी टच किया है डेली डेथ्स ने, मे बी इससे ज़्यादा भी हुई हों, तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या ये थ्रेट दोबारा से उस लेवल पे जा सकता है। ऑफ कोर्स ये जा सकता है, और ये वायरस जो है हमने कोई वैक्सीन नहीं यहाँ पे डेवलप की, अमेरिका से ज़्यादा हमने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए, अमेरिका से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हेल्थ सिस्टम नहीं था, अमेरिका से ज़्यादा वेल इंटीग्रेटेड हमारी फोर्सेज या हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स देखी हैं। तो यानी कि आपका मुल्क हमेशा उस खतरे के एक लाइन के ऊपर, रेड लाइन के ऊपर रह रहा है। तो आपने एक चीज में ऐड करता चलूं, आपने ये चीज देखनी है कि कौन से काम करने के कौन से नहीं। ऑपोजिशन अगर जलसे कर रही है, ऑपोजिशन के जलसों का मुल्क के चलने से, मुल्क की सियासत से कोई खास तलक नहीं है। ऑपोजिशन को इस टाइम जलसे रोकने चाहिए। देखिए अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हुए, 15 करोड़ लोगों ने निकल के वोट दिया, उन्होंने अपने इलेक्शंस नहीं रोके, लेकिन वो एक ऐसा प्रोसेस था जिसको रोका नहीं जा सकता था, वो 300 साल का भी नहीं रोका, लेकिन ओपोजिशन अपने जलसे रोक सकती है। प्राइम मिनिस्टर की बात माननी चाहिए। दोबारा जाएंगे उनसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करिएगा। जी जी शुक्रिया। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस बार जो कोरोना के स्टेटिस्टिक्स है उसमें एक बात ये भी है कि बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। पहले हम 1-2-3 हफ्ते पहले देखते थे कि रोजाना की बुनियाद पे 100-200 केसेस होते थे, सडनली उसने जंप किया है 1,000 और 2,000 को क्रॉस किया है। दूसरी बात यह है कि इस बार इस लहर में फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है,
हमने बहुत यंग लोग देख लिए कि वो इससे फौत हो गए हैं और कम्प्लिकेशन बहुत जल्दी डिवेल्प होता है। और ओके तीसरा अहम मसला ये है कि जिस तरह शुजात साहब ने बात की कि हमारा बैकअप इतना मजबूत नहीं है हेल्थ में, हमारा अभी कोरोना के सूरत हाल पेशावर में ये है कि हमारे 3 अस्पताल के लिए और एक अस्पताल आज सुबह तक 50% जो था वो हमारा कैपेसिटी उसका भी खत्म हो गया है। हमारे पास अच्छा वेंटिलेटर्स नहीं है, हम इस पूरे सिचुएशन के साथ कम्बैट नहीं कर सकते। और इस दूसरे लेयर में हमारी बदकिस्मती ये है कि हुकूमत ने भी इस चीज़ को उस तरह संजीदा नहीं लिया और आवाम ने तो बिल्कुल भी संजीदा नहीं लिया। जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा है। ये जो आप कह रही है कि 4% और 5% इंक्रीज आया है, ये तो इस बेस पे आया है कि जो आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी है और आप जितने टेस्ट करते हैं उसकी कंपैरिजन की बुनियाद पे आप कहते हैं। हकीकत तो ये है कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम है। ओपीडी में जब हम जनरल असेसमेंट करते हैं तो 80-90% कंप्लेंट जो है वो कोरोना सिम्टम्स के साथ है। तो ये ओके कम टेस्टिंग कैपेसिटी के बुनियाद पर ये राइजिंग ट्रेंड आ रहा है, अंडर द कारपेट इससे भी बहुत ज्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस हवाले से बहुत ज्यादा तो हंगामी डॉक्टर साहब, इकदाम करने हुकूमत की जो जरूरत मेजर लेने जा रही है, लाइक वो जलसे जुलूसों पर पाबंदी की बात कर रही है, वो शादी हॉल्स में 300 से ज्यादा की स्ट्रेंथ की मतलब को महदूद कर रही है, 300 पे इससे ज्यादा स्ट्रेंथ ना हो, और स्कूल्स की छुट्टियों के फैसले अभी मौखर कर दिए गए, हालात को देख कर वो कह रहे हैं कि फैसला करेंगे। आपको लगता है कि ये काफी है इकदाम हुकूमत की जानिब से? जी, उसमें तो जहाँ तक अपोजिशन और हुकूमत की बात है वो तो मैं प्रोफेशनल हूँ, पॉलिटिकल स्टांस तो नहीं रखूंगा, लेकिन ये जी जरूर कहूंगा कि हुकूमत को और अपोजिशन दोनों को इस मौके पे मैच्योरिटी का एक सबूत देना होगा। ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इसको हेल्थ के साथ कोरिलेट न किया जाए। हमारे जलसे जुलूस अगर होंगे और जो हमारी जो रोजमर्रा की बिजनेस ट्रेंड है ये अगर इसी तरह चलेगा तो हम इस सिचुएशन को नहीं कोप कर पाएंगे। और उसकी वजह ये है कि इस बार इस पे ऑब्जर्वेशन, बाकायदा रिसर्च हो रहा है कि इस बार फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा जल्दी कम्प्लिकेट कर जाते हैं। अभी भी हमारे जितने बड़े अस्पताल है इसमें हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर वेंटिलेटर्स पे हैं 2-3 अस्पतालों में। तो एक तो ये है कि हुकूमत और आवाम दोनों मिलके और मीडिया भी इसमें किरदार अदा करे, और मेरे ख्याल में हमें दोबारा अपने पुरानी पोजिशन पे आना होगा कि जो लॉकडाउन के भी पैसे हमें लेने होंगे, इसलिए कि जब माशियात की क्राइसिस और इकानमी की क्राइसिस बने और हेल्थ की क्राइसिस बने तो मेरे ख्याल में इकोनॉमी की क्राइसिस लेनी चाहिए, उसकी कुर्बानी देनी चाहिए, क्योंकि वो दोबारा अचीव करने वाली चीज है। और लेकिन हेल्थ अगर को हेल्थ प्रायोरिटी देनी क्राइसिस बन चाहिए, जाए, ऑफ कोर्स जी इंसानी एग्जैक्टली, जानों अगर को ही हेल्थ चूज क्राइसिस बन, करना। ठीक है डॉक्टर एग्जैक्टली साहब। हेल्थ क्राइसिस बन और अच्छा अच्छा सिचुएशन हमने में ये बने तो देखा फिर कि मुश्किल। ये कहा जा रहा है कि गिलगित-बल्तिस्तान में जो हालिया इलेक्शन हुए हैं, जो कैंपेन चल रही है वहां पे, उसके बाद भी कोरोना केसेस में इजाफा देखा गया है, और बलूचिस्तान हुकूमत में लियाकत शाहवानी साहब ने ये कहा है कि जो पीडीएम जलसा करके गई है उसके बाद भी वहां पे बलूचिस्तान में जो है वो उनको केसेस में जो है वो इजाफा देखने को मिला है। तो आपको लगता है कि अपोजिशन इतनी मेच्योरिटी का सबूत देगी हुकूमत के साथ, और या इंसानी जानों को प्रायोरिटी देते हुए वो इन शेड्यूल जो जलसे के शेड्यूल है उनको मुअत्तल कर देगी, मनसूख कर देगी, देखिए, ऑपोजिशन को देना चाहिए एटलीस्ट फॉर द मेच्योरिटी टाइम का बीइंग जब तक सबूत वैक्सीन नहीं आ जाती। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। देखिए, सबसे बड़ी बात नौशीन ये कि आपने बड़ी ये अब ये एक मिस्ट्री है, एक जी पजल है, लेकिन गॉड नोज बेटर। लेकिन जो भी था, पाकिस्तान ने कोरोना को कंट्रोल कर लिया था। फर्स्ट वेव हमने अपने हमसाये की निस्बत, भारत की निस्बत, बहुत बहुत अच्छे कम तरीके से लोग ने कंट्रोल हाँ कर ली। ओके मैं नहीं समझता कि लोगों ने इतने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे, लेकिन अल्लाह का कोई करम था, या मे बी गवर्नमेंट की कुछ स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसीज थी, जो भी था, लेकिन बहरहाल जो है वो हमारे मुल्क में कोरोना कंट्रोल हुआ। क्योंकि लोगों के प्रिवेंटिव मेजर्स यूरोप से ज़्यादा बेहतर तो नहीं थे, लोगों की जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वेस्टर्न सोसाइटी से ज़्यादा तो नहीं था यहाँ पे। उसके बावजूद हमने देखा कि कोरोना कंट्रोल हो गया था। अब हम फर्स्ट वेव से गुजर गए, नाउ द वर्ल्ड इज रैंगलिंग विद द सेकेंड वेव, और हम भी रैंगल कर रहे हैं सेकेंड वेव के साथ। अब इस सेकेंड वेव के स्टार्ट होते ही देर वॉज अ वेरी गुड न्यूज एंड अ ब्राइट रे ऑफ होप फ्रॉम फाइजर। फाइजर जो एक इंटरनेशनल जी, फार्मास्यूटिकल बिल्कुल कॉरपोरेशन है, उन्होंने कहा कि वैक्सीन हमने का वैक्सीन बनाई है और वो 90% जो है सक्सेसफुल है। 10% का एक उसमें रूम है अभी भी, दैट्स डाउटफुल, लेकिन उसके ऊपर भी रिसर्च हो रही है। और इट्स समथिंग, मतलब जब इस हद तक रिस्क
की एक डिजीज आ चुकी है दुनिया में जिससे लोग मर रहे हैं, तो आप वो 10% का रिस्क ले सकते ले हैं सकते हैं इन ऑर्डर टू यू नो सेव योर जनरल पॉपुलेशन, और वो 10% का रिस्क भी शायद 2-3 महीनों में कवर अप हो जाए। तो अगर इस दौरान हमारे लोग, हमारी ऑपोजिशन, हमारी गवर्नमेंट, जैसे कि अभी ये हमारे जो पेमा के एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ऑपोजिशन को और गवर्नमेंट को, दोनों को इस चीज को रियलाइज करना चाहिए। और इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो बड़ी हद तक जो है वो लैग कर रही है, वो उस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले रहे, वरना हमने जो पिछले इतने महीनों के अंदर एक मेहनत से एक हमने एक फ्रूट हासिल किया था वो जाया हो जाएगा। हमें 2-3 महीने जो हैं वो देने चाहिए किसी भी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को, किसी भी मुल्क को, किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो एक वैक्सीन लेके आए, और जब वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करें। जो बलोचिस्तान की बात की गई कि वहाँ पे पीडीएम का जलसा हुआ और उसके बाद जो है वो कैसे ज्यादा हुए, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। वी नो इट कि जहाँ पे पब्लिक एक्टिविटी होगी वहाँ पे केसेस बढ़ेंगे। गुजरांवाला में हुई, वहाँ पे हुई, गिलगित अभी गिलगित बल्तिस्तान में बल्तिस्तान हुई। में हुआ। चले गिलगित बल्तिस्तान तो किसी हद तक आई कैन से कि जस्टिफाइड था, कि जैसे यूएस में भी हुआ है, पूरी दुनिया में होता है कि एक इलेक्शन है, एक जनरल इलेक्शन है, उसमें हो रहा है तो ठीक है, लेकिन आप ऑपोजिशन जो रैलीज निकाल रही है पूरे मुल्क के अंदर, दैट्स यूजलेस। और यूजलेस इन अ मैनर कि आप इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, जो इलेक्शन हो गया वो हो गया। डोंट एवर मेक एनी फॉल्स होप्स इन योर माइंड के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन इस वक्त आएगा और आपकी फरमाइश के ऊपर एक बनी बनाई हुकूमत को उठा के घर भेज देगा और आपको लाके बिठा देगा। ये दीवाने का ख्वाब है, ये अपने दिमाग से वो निकाल लें और वापस जाके बैठे पार्लियामेंट के अंदर और वहां बैठ के कोई क्रेडिबल, कोई सॉलिड लेजिस्लेशन करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स को दुरुस्त करें कि नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन ना आए। ये कभी भी नहीं होगा, इम्पॉसिबल है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन इस तरह की हरकत करे। हो गया तो फिर आपकी आने वाली 5-10 यहाँ हुकूमतें पे नहीं चलती। बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की। वजारत कौमी सेहत की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन हामिद ने आज ये कहा है कि 1 करोड़ शहरियों के लिए कोरोना वैक्सीन की एडवांस बुकिंग की तजवीज भी दे दी गई है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब ये जो वैक्सीन है, आपको लगता है कि हुकूमत सबसे पहले तो इसकी जो बरवक्त दस्तियाबी है उसको मुमकिन बना सकेगी, और दूसरी बात देखिए आपको इसके टाइम फ्रेम क्या लग रहा है कि इसने कब तक आना है और हमें कब तक इस जो है वो एसओपीज और ये प्रिवेंटिव मेजर्स पे गुजारा करना है? देखिए इस मामले में तो एक बात ये है कि ये पेंडेमिक जो है या इमरजेंसी है, ये पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया में जो वैक्सीन प्रिपरेशन पार्ट्स है वो 2 या 3 बड़े ममालिक है जो ये दावा कर रही है कि हम बना रहे हैं, तो पूरी दुनिया में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर हमारे पोलियो का तजुर्बा ये हुआ है कि हुकूमत बुरी तरह, हर हुकूमत उस मामले को टैकल करने में बुरी तरह नाकाम हुई है, और पूरी दुनिया में सिर्फ हम 2-3 ममालिक रह गए जो पोलियो के हवाले से अभी तक एंगेज है उसके साथ। तो अगर उसी ट्रैक पे हमने चलना है तो फिर तो बहुत सारे साल इसमें लगेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस इमरजेंसी और अपने मुल्क की सूरत हाल को समझते हुए हंगामी इकदामात इसमें करनी चाहिए, और उस बुनियाद पे हमारे लोगों के लिए 1 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है अगर हो सके, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक को मिलते हो उसी लिस्ट में हम भी शामिल हो जाए। क्योंकि खदशा ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज की बुनियाद पे कैटेगरी वाइज होगा और अप्रोच के हवाले से भी होंगे, तो फिर तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। मतलब लेकिन आपके कहने का हुकूमत मतलब को है कि अगर, हमारी हुकूमत इतनी एफिशिएंट नहीं है कि इसकी बरवक्त दस्तियाबी को मुमकिन बना सके। लग तो ऐसा रहा है जो हमने पोलियो के साथ 20-30 साल किया है और अभी तक पोलियो इधर ही है, तो मुझे तो लग रहा है कि हमारी बारी इस मामले में भी तो इस तरह ही हम होगी। माशी लिहाज से कमजोर मुल्क हैं, हमारे अवाम में भी इतना शऊर नहीं है कि वो एसओपीस को कोई पूरी तरह से फॉलो करे, तो फिर तो हमें इससे अच्छे खासे नुकसान का अंदेशा है। अगर इसमें तो बहुत सारे नहीं फैक्टर थे, इसमें तो सिर्फ हुकूमत और अवाम और हुकूमत को भी देख लेना। हुकूमत ने फर्स्ट वेव को, शुजा साहब ने कहा, जिस तरह बहुत सारे फैक्टर्स थे, हमने फर्स्ट वेव को एंगेज किया और उसको अच्छी तरीके से इंटेक किया, तो हुकूमत ने हेल्थ सेक्टर की और हेल्थ एम्प्लाइज की किस कदर उनकी हतकामीज एक किस्म से की है, उनको कोई अप्रिशिएट ना किया गया, उनको किसी तरीके से सर्टिफिकेशन की बुनियाद पे और बोनस और पैसे की बात नहीं थी, लेकिन इस डिपार्टमेंट के सर्विसेज को एक्नॉलेज नहीं किया, हेल्थ सेक्टर के तमाम मुलाजिमीन के मोराल को डाउन किया गया है। अभी भी हुकूमत इस दूसरे लेयर को उस तरह सीरियस नहीं ले रही। फिर उस जनवरी से लेकर इस दिसंबर तक हमें बड़ा विंडो पीरियड मिला, लेकिन आप सहूलियात को देखे उसी तरह ही है, हमारे वेंटिलेटर डिफिशियंट है, अब भी डिफिशियंट है, तो हुकूमत भी इसमें लैग कर रही है और हुकूमत अपोजिशन भी इस चीज को रिवायती सियासी अंदाज में ले रही है,
अवाम तो डेफिनेटली एक साल में इस चक्कर से बाहर निकल आई, नहीं निकल आई कि ये साजिश है या हकीकत ठीक है, है डॉक्टर साहब, बहुत पर शुक्रिया उसके आपके नतीजे वक्त का। शुजा डॉक्टर साहब ने कहा कि अपोजिशन, हुकूमत और आवाम, मतलब तीनों ही आई थिंक सो अपनी अपनी जगह पे संजीदा नहीं है, जबकि कोरोना का जो खदशा है वो वाकई हमारे सरों पे मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम यंग लोगों की अमवात भी विटनेस कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो ऐसे में आई थिंक सो कि ये जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं रह जाती है और अपोजिशन को भी हुकूमत का साथ देना होगा, जल्द से जल्द जो है वो मनसूख करने होंगे। ठीक है नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। एचपी साहब क्या आप सोच तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।